हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर शेयर मार्केट से आ रही है। आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शेयर बाजार को उम्मीद दिखी है। शेयर मार्केट में 1000 अंक की उछाल दर्ज की गई है। कोरोना काल में लगातार डूबते शेयर मार्केट से अच्छी खबर आई है, 1000 अंकों की उछाल दर्ज की गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये सुखद खबर है। बता दें आपको, शेयर बाजार जो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटिमेंट अमूमन लेकर ही चलता है, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लेते हुए शेयर बाजार ने शुरुआत आज बढ़ोतरी के साथ की है। 1000 अंक के उछाल के साथ इस वक्त शेयर बाजार कारोबार कर रहा है। भारतीय शेयर बाजार के लिए इस लिहाज से भी अच्छी खबर है, क्योंकि कोरोना काल में लगातार वॉलेटिलिटी बनी हुई है और उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन 1000 अंकों का उछाल एक अच्छा सेंटिमेंट लेते हुए बाजार दिखा रहा है। माना जा रहा है कि आरबीआई आज कुछ ऐसे घोषणाएं कर सकता है ताकि बाजार। बता दें आपको, एक बड़ी खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि इंडस्ट्री को लगातार सरकार से ये उम्मीदें हैं कि तमाम बड़े 16 सेक्टर्स जिनको रियायत आगे बढ़ाई जाए, तो क्या आरबीआई कुछ ऐसा कहने जा रहा है आज जिससे इंडस्ट्री को राहत मिलेगी, या मनी फ्लो को लेकर आरबीआई कोई बड़ा ऐलान कर सकता है? विकास, बिल्कुल, देखिए लगातार कोशिश है कि भारतीय बाजारों में पैसा डाला जाए, लोगों की जेब में पैसा पहुंचे, और इसके लिए आरबीआई कुछ घोषणाएं कर सकता है, दवाई दे सकता है आर्थिक संकट से उबारने के लिए, और इसी वजह से मार्केट में उछाल आया।